तो हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट सेलिंग डॉग ब्रीड के बारे में एंड 2021 के जनवरी से लेके अगस्त तक अभी तक कौन से सबसे ज़्यादा डॉग जो है सेल हो चुके हैं, तो उसके बारे में जो है कुछ डेटा एनालिटिक किया मैंने, तो उसके हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस जो 10 नंबर की पोजीशन पे आता है वो है पेटबुल। पेटबुल पहले के समय में काफ़ी लोग इग्नोर करते थे इन डॉग ब्रीड को रखने के लिए, क्या क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे और कभी कभार वो वीडियो देख के भी इनको नहीं बाय करते थे। बट अब जो है तरीका है वो रखने का सब बदल चुका है। बहुत सारे जो डॉग ऑनर इन्हें सोशलाइज करते अच्छे से रखते और बहुत लोगों के पास भी है, फैमिली के साथ भी अच्छे से रहते हैं अभी, अगर आप पहले से ट्रेनिंग सोशलाइज करते हो तो। इसके चलते इनकी जो है सेलिंग भी काफ़ी अच्छे से बढ़ चुकी है और बहुत सारे लोग जो है इन्हें अब एडोप्ट भी करते हैं। बट अगर आप इन्हें पूरा टाइम देते तो आप ये आपके लिए डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छा रहेगा, और सोशलाइज और ट्रेनिंग तो इन डॉग ब्रीड को सख्त ज़रूरत होती है। और जो 9th नंबर की पोजीशन पे आता है वो है गोल्डन रिट्रीवर डॉग ब्रीड। हालांकि इनकी पोजीशन काफ़ी पहले ऊंची थी, यानी 4th-5th नंबर के आसपास ही आ सकते थे, बट अभी डिमांड क्या हो बहुत लोगों की काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं और इनको जो मेंटेनेंस और काफ़ी प्राइस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है, उसके चलते कोई कोई लोग इन्हें इग्नोर करके फिर दूसरा डॉग ब्रीड ले लेते हैं। बट अभी भी ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे से आए और ये डेटाबेसिस ऐसा नहीं कि ये कभी भी अप डाउन होता रहता है। अभी मैं जस्ट ये अभी डेटाबेसिस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, अगले महीने ये डॉग ब्रीड टॉप 1 पे भी आ सकती है, टॉप 2 में भी आ सकती है। तो इनका प्राइस और इनको रखने का, इनको जब आप बाय करते तो इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसके चलते कोई कोई लोग डॉग इन्हें जो है ऑनर जो है इसको इग्नोर करते हैं। बट ये फैमिली के लिए बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ और अच्छी मानी जाती है, तो अगर आपको एक फ्रेंडली डॉग ब्रीड चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। जो हमारी 8th नंबर की पोजीशन पे आते हैं वो है चाउचाउ। चाउचाउ का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है बट आजकल उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है डॉग शोज़ में। मैं जहाँ पे डॉग्स के गार्डन में जाता हूँ तो वहाँ पे भी चाउचाउ देखने को मिलता है। पहले ऐसा होता था कि रियरली जो कभी कभार जो है चाउचाउ अपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका मेंटेनेंस का खर्चा, उनको बाय करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, उनको रखने में, खाने पीने में, डाइट में, तो ये सब कुछ बदल चुका है। उनका प्राइस भी अभी काफ़ी ज़्यादा घट चुका है और बहुत सारे लोग इन्हें एडोप्ट भी कर रहे हैं, रख भी रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के पास अभी थोड़ा बहुत पैसे आ चुके हैं तो वो भी लोग इन डॉग ब्रीड को आराम से रखते और लेते हैं। तो गाइस जो नंबर 7 की पोजीशन पे आते हैं वो है पग डॉग ब्रीड। इन डॉग ब्रीड की पहले के समय में, यानी पहले के अभी कुछ साल के अंदर, इन डॉग ब्रीड की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा लोग इन्हें जो है बाय भी करते हैं, और ख़ास करके 2-4 साल पहले इनको वोडाफोन का जो कुत्ता ऐसा बोलते थे लोग और इन्हें बाय करते थे। कभी कभी पग को देखते तो लोग उन्हें पग नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों इनको एक नाम याद आ जाता था, वो है कि वोडाफोन का डॉग देखो, क्योंकि वो ऐड में आता था, बहुत सारे ऐसे जो आपने टीवी शोज़ में देखे उसमें आता था, इसलिए वो उस तरह से उसका नाम हो गया था, उसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया था। और इनके साइज़ जो है स्मॉल है, इसलिए आराम से भी रख सकते। इनका बाय जो प्राइस होता है वो भी काफ़ी कम है, इसलिए कभी कभार अगर जैसे कि ठंडी या फिर ज़्यादा करके मार्केट में पपीज अवेलेबल होते हैं तो बहुत सारे लोग इन्हें एडोप्ट भी कर लेते हैं। तो गाइस जो 6th नंबर की पोजीशन पे आता है वो है डॉबरमैन। आप सभी को पता है कि ये एक अच्छा गार्ड डॉग है, और ऐसा भी नहीं कि इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा अप डाउन होती रहती है, यानी एकदम कभी हाई कभी एकदम कम, ऐसा बिल्कुल नहीं। इनकी प्राइस जो है सेम चलती रहती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। तो कभी कभी मार्केट में पपी अवेलेबल नहीं होते, उसके चलते इनकी प्राइस हाई हो सकती है, बाकी ये काफ़ी अच्छे डॉग ब्रीड है। और ऐसा भी नहीं कि इनके एकदम पपी ज़्यादा सेल होते या फिर एकदम कम होते, ये वही पोजीशन पर है, बहुत सारे लोग उनको वही प्यार देते हैं, वही सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी एडॉप्ट करते हैं। तो गाइस जो 5th नंबर की पोजीशन पे आते हैं वो है रॉटवाइलर। रॉटवाइलर आजकल के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, बहुत सारे लोग इन्हें रखते हैं, और ऐसी वो धारणा थी कि ये काफ़ी डेंजरस डॉग ब्रीड है, तो ऐसा कुछ नहीं रहा है। अभी आपने बहुत सारे यूट्यूब में भी वीडियो देखे होंगे, आपको रील्स में भी देखने को मिले होंगे, बहुत सारी जगह पर डॉग ब्रीड आराम से अभी रहते हैं, बच्चों के साथ हो गए, फैमिली मेम्बर के साथ हो, और एक से ज़्यादा अगर आप रखना चाहते तो वो ये डॉग ब्रीड भी उनके साथ भी अच्छे से रह लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे है और अच्छा गार्ड डॉग भी है, बट आपको सोशलाइज और ट्रेनिंग इनको खास करके देनी पड़ेगी। तो गाइस जो 4th नंबर की लिस्ट में आता है वो है पोमेरियन डॉग ब्रीड। आप सभी को पता है कि ये डॉग ब्रीड काफ़ी सस्ता मिल जाता है आपको आराम से, अगर किसी के पास हो तो आपको कभी कभार वो आपको कम प्राइस में भी दे देता है, और ये इंडियन वेदर के हिसाब से अच्छे से रह लेता है, काफ़ी छोटा है, इनको ऊपर ज़्यादा मेंटेन का खर्चा भी नहीं होता, आप आराम से ट्रैवल करते हो तो एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हो, काफ़ी क्यूट है, गर्ल्स भी इसे काफ़ी रख ले, और छोटे छोटे अगर फैमिली, आपको पता है कि स्पेस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वैसे स्पेस की प्रॉब्लम के लिए आप जो है पोमेरियन डॉग ब्रीड भी रख सकते हो, आराम से छोटी जगह में भी एडजस्ट हो जाता है।
गाइस जो तीसरे नंबर की पोजीशन पे आता है वो है बीगल डॉग ब्रीड। गाइस मैंने अभी बहुत सारे ऐसे बीगल डॉग ब्रीड देखे, मैं जब भी सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ या फिर मेरे आस पड़ोस में भी दो बीगल डॉग ब्रीड रहते हैं। बीगल डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे फैमिली के लिए भी, इनका नेचर काफ़ी स्मूथ मतलब एकदम शांत स्वभाव का होता है, फैमिली मेंबर के साथ बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से रहते हैं। बट अगर आप इन्हें बाय करने जाते हो तो थोड़ा बहुत आपको कॉस्टली देखने को मिलेगा, बट लाइफ टाइम आपको इनको खाली मेंटेन के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। बट काफ़ी अच्छे से ट्रैवल भी इसे भी आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। और गाइस डेटा के हिसाब से नंबर 2 के और नंबर 1 के हिसाब से अभी कोई भी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बता सकते, क्योंकि जो जर्मन शेफर्ड है और लैब्राडोर है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड बन चुके हैं आज के समय में। आपको लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड 4 में से एक घर में आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। और जब भी आप कभी वीडियो देखते हो या फिर रील्स में या फिर यूट्यूब पे या फिर कोई व्लॉग चैनल पे, तो आपको लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड तो ज़रूर से देखने को मिलेगा। और इनका प्राइस भी काफ़ी अच्छा होता है, मतलब इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, जिसके कारण मीडियम क्लास के जो लोग होते हैं वो भी आराम से इन्हें अडॉप्ट करते यानी बाय कर सकते हैं। और ये फ्रेंडली भी है और घर में भी अच्छे से रहते हैं, किसी का 2 BHK हाउस है तो उसके में आराम से ये डॉग ब्रीड रह लेती है। सो गाइस आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ मैंने डेटा के हिसाब से बताया और डेटा ये एकदम एक्योर नहीं है, यानी एकदम सही नहीं बोल सकते, इसमें भी कुछ अप डाउन होता रहता है। ये इस मंथ का डेटा है, अगले मंथ में भी फिर से एक नई वीडियो बना के बताऊंगा कि आपको कौन से ज़्यादा डॉग ब्रीड शेयर हो रहे हैं। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। आप नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरा सेकेंड चैनल है एटमिक्स ब्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।